जब हम किसी के घर में रिश्तेदारी में पहली बार जाते हैं तो हमारे पहाड़ों का रिवाज है, उस पर एक टीका लगाया जाता है और शगुन का ये लिफाफा मिलता है। जीवन की ये पहली शादी होगी जिसमें हमने थोड़ा भी डांस नहीं करा, हाथ यूं तक नहीं उठाया, क्योंकि सभी को हमारा प्यार भरा नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो में। अभी मैं और साहिल जा रहे हैं एक शादी में और यहीं से हमने अपना एक नया वीडियो शुरू कर दिया है। और जिनकी शादी में हम जा रहे हैं वो मेरी दीदी जी के देवर हैं, यानी मेरी जीजाजी की शादी में मैं और साहिल जा रहे हैं। साहिल की जो बड़ी वाली बुआ जी है उनके छोटे वाले देवर की शादी है। अभी शादी आधे रास्ते पहुँच गई है, आधे रास्ते से हमने शादी को ज्वाइन करा। और मेरे चैनल पे शादी की ये पहली वीडियो होगी जो कुछ इस तरह से शुरू हो रही है, क्योंकि सुबह से कोई भी प्लान नहीं था शादी में आने का, अचानक से ही प्लान हुआ। कल इतना भव्य कार्यक्रम का समापन हमारे गांव से हुआ, वरना हमने कल ही जाना था मेहंदी के लिए, बट अभी शादी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। बाकी देखते हैं क्या क्या आज की शादी वाली वीडियो में आपको दिखता है। अभी थोड़ी पैदल हमें जाना है शादी वाले घर तक पहुंचने के लिए, लड़के की तरफ से हम शादी में जा रहे हैं। बाकी सारे लोग डांस कर रहे हैं लेकिन मुझे और साहिल को डांस वाली फीलिंग नहीं आ रही है, इस शादी में अपनेपन वाली फीलिंग नहीं आ रही है ना, क्योंकि हम लोगों की शादी में आए हैं अपने गांव वालों की नहीं। बट देखते हैं क्या पता हम बेगानी शादी में नाचे, है ना। शादी वाले घर में पहुंच गई है और अब चाय बिस्किट नमकीन जो भी मिलता है वो मिलने वाला है, जिसके लिए साहिल बहुत देर से वेट कर रहा है ना। शादी वाले घर में अभी शादी की रस्में स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले सभी बरातियों को तिलक लगाया जाता है, साथ में ये लिफाफा मिलता है। साहिल को इस लिफाफे का वेट बहुत समय से था और ये ऐसा वाला लिफाफा, शादी वाला लिफाफा बहुत समय के बाद मिल रहा है। अभी तिलक भी लग गया, पिठाई लग गई है, अब जाते हैं थोड़ा खाना खाते हैं। सुबह जल्दी घर से निकले थे, नाश्ता भी नहीं किया था और भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई है, तो एक बार ही खाना खाते हैं, बाकी देखते हैं आपको कितनी रस्में कस्में हम दिखा पाते हैं। अभी जयमाला की रस्म भी हो गई है और अब यहाँ पे पैसे डालने वाली माला डाली जा रही है दुल्हा और दुल्हन के गले में। जो भी लोग दुल्हन के घर में आए रहते हैं उनके घर मेहमान, वो डालते हैं इस माला को। जैसे कि दूल्हे के घर में माला डाली जाती है, वैसे ही दुल्हन के घर में दुल्हन पे भी और दूल्हे पे भी माला डाली जाती है। तो अभी पैसों की माला डाली जा रही है। शादी वाले घर में फेरे से पहले दुल्हन को आभूषण पहनाए जाते हैं, जितनी भी सोने की चीज़ें बनाई जाती है दुल्हन के लिए, नथ, पायल और माला वगैरह, वो पहनाई जा रही है। मैं और साहिल यहाँ पे घूमने के लिए आ रखे हैं, डांस हम कर रहे नहीं तो इस साइड आए, डांस हम कर नहीं रहे तो हम इस साइड आए। और इस साइड देखो हमें कितने प्यारे प्यारे कुत्ते के बच्चे मिल गए दो, एक तो बहुत ज़्यादा डर रहा है वो भाग गया और ये वाला डर नहीं रहा है, तो इसके साथ हम थोड़ी देर खेल रहे हैं। बहुत प्यारा है ये, है ना साहिल। साहिल बोल रहा कि अगर नज़दीकी बात होती, अगर हम शादी वाले घर से सीधा अपने गांव जाते तो इसे भी ले जाते, बट हम शादी वाले घर से जीजाजी लोगों के घर जाएंगे तो इसे नहीं ले जाएंगे। अब स्नूपी के बच्चे भी होंगे ऐसे, देखो कितना प्यारा है ये सच में, मैं डॉग लवर हूँ सच में। दूसरा काम यार, अभी तक सभी लोगों ने खूब डांस करा और मैं और साहिल किनारे पे बैठे रहे, थोड़ी मैंने उनकी वीडियो बनाई। जीवन की ये पहली शादी होगी जिसमें हमने थोड़ा भी डांस नहीं करा, हाथ यूं तक नहीं उठाया, क्योंकि लग ही नहीं रहा है कि हम शादी में आ रखे हैं ना। मन भी नहीं कर रहा है और मन भी कर रहा है तो कोई दोस्त भी नहीं है जिसके साथ हम डांस कर सकें। बाकी देखते हैं जब दीदी के घर में जाएंगे क्या बता, जो वहाँ रात को डांस करें।
बाकी अभी यहाँ पे रस्में कस्में चली रही है, पूजा चल रही है फेरे से पहले वाली, थोड़ी देर में फेरे स्टार्ट होंगे। बाकी वीडियो मैंने आपको बहुत सारी शादी की दिखाई हुई है, आप मेरे चैनल पर और शादियों की वीडियो देख सकते हैं जो कि मैंने पिछले ही महीने में बनाई थी। उसमें थोड़ा थोड़ा सारी रस्में कस्में मैंने दिखा रखी है अपने पहाड़ों की शादियों की। भूख लगी रात के करीब 9:30 हो गए हैं और हम दीदी लोगों के घर पे पहुंच गए हैं। बारात अभी रोड़ी पे है और अभी हमने खाया भी नहीं है, बस पे हम पूरा सो के आए। आजकल ना महायज्ञ से बहुत ज़्यादा हमारी नींद पूरी नहीं हो रखी है, तो हम बस पे पूरा सो के आए और अब हम सीधा सोएंगे। थोड़ा बहुत दिखाएंगे आपको यहाँ पे किस तरह से स्वागत होता है और वही फ़ोटो शूट होता है, फैमिली के लोग फ़ोटो शूट करते हैं, बाकी खाना खाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं मस्त से। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नए दिन में, नए लोकेशन से आज की वीडियो शुरू कर दी है मैंने। कल की ही वीडियो मैंने कंटिन्यू रखी है, कल का व्लॉग छोटा हो गया था और अभी 10:30 से मैंने ये वीडियो शुरू कर दी है। फिलहाल हम एक नई लोकेशन पे आए हैं शादी में, जहाँ मेरी दीदी का ससुराल है ककड़ेत गाँव, यहाँ हम शादी में आए थे और अब धारा पूजन की तैयारी चल रही है। दुल्हन जो हमारी नई दीदी है वो धारा पूजन के लिए तैयार हो रही है। बाकी यहाँ पे छोटी वाली दीदी भी आ रखी है सोनिका की माँ, जो हमें बर्थडे पार्टी करवाती रहती है। साहिल वहाँ पे बहुत ज़्यादा थका हुआ है, धूप सेक रहा है। बाकी सामने का व्यू कुछ ऐसा है, सरसों के खेत में सरसों के फूल खिले हुए हैं। यहाँ पे एक सामने पे कौवा गांव है और जिस गांव में हम आए हैं ये है ककड़ेत, बिल्कुल अकेला घर है यहाँ पे और किसी का घर भी नहीं है। अभी दीदी ने मुझ पर टीका और ये शगुन का लिफाफा दे दिया है, क्योंकि दीदी के ससुराल में मैं पहली बार आया हूँ। जब हम किसी के घर में रिश्तेदारी में पहली बार जाते हैं तो हमारे पहाड़ों का रिवाज है, उस पर एक टीका लगाया जाता है और शगुन का ये लिफाफा मिलता है। तो कल से मेरे पास 2 लिफाफे हो गए हैं, बाकी इसमें कितने रुपए हैं वो देखते हैं और खाएंगे उसका कुछ। और साहिल को भी ये लिफाफा मिला तो दोनों मिला के कुछ खाएंगे। अभी हमारा घर जाने का समय हो गया है और घर जाने से पहले हम अपना मुँह मीठा कर रहे हैं रसगुल्ले से। ले साहिल, यहाँ पर रिवाज है जो भी मेहमान घर जाता है उसे मीठा खिलाया जाता है। फाइनली अभी हम ज्ञानसु में पहुंच गए हैं और अभी जा रहे हैं दीदी जी के रूम पे, वहाँ से हमें जल्दी गाड़ी मिल गई थी। मैं तो खैर स्कूटी पे आया, साहिल बाइक पे, अपने 50-50 रुपए हमने बचा लिए। फिलहाल कर लेते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आपने वीडियो पूरी देखी होगी, आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।